हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आ गई छोटे मुंह बड़े होठ वाली। ये क्या है ये सब? स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट है। जो कॉमेडी सर्कस हमने किया था ना 15 साल पहले, आज तक झेल रहा हूं मैं। मेरे को पता नहीं था इतना लंबा चलेगा ये। आप बताओ, मेरे से बेटर कोई होता तो ये बदल ना देता अब तक। ओहो, क्या ये सब? देखो, हम जब एंट्री लेते हैं ना तो पाउडर उड़ते हैं। साफ साफ बता, घर के ही लोग हैं, आटे की चक्की पे काम करती है ये। लेट लेट के आती, घर आके झाड़ती है रात की रोटी तैयार। सच बताया कर, सच, ऑनेस्टी का जमाना है। तो हम आर्टिस्ट ना रोटी के नहीं प्यार के भूखे होते हैं। ओके अमित जी, आप इन्हें समझाएं कि मतलब उड़ान के लिए पंख नहीं हौसला होना चाहिए। वाह वाह, पंख हौसले, चिड़ियों के अंडे किडनैप करके रैंसम मांगने वाली लड़की। उन्हें अंडों का ऑमलेट खाने वाले इंसान। दो दस दस रुपए, ये नहीं जाएगी, पैसे नहीं जाएगी। पैसे की कमी नहीं है। ओके मधुमा जी, मैं आपको बताऊं, मेरे वीडियोस पे इतने लाइक्स आते हैं कि उन लाइक्स को काउंट करने के लिए मुझे अकाउंटेंट रखना पड़ा। वो ही अकाउंटेंट डिलीट करके गया इसका अकाउंट। नॉर्मली क्या वीडियो पे लाइक का कैसे निशान आता है? ऐसे ना, इसके ऐसे आता था नीचे कि हटो तुम। क्या करती थी बताओ? देखो, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। ओके, टेक्निकल तो बहुत है ये। इंस्टाग्राम का फिल्टर निकाल के उसकी कॉफी बना के पी गई। अब क्या करी थी आप? सॉरी। ओके, तो स्टार्स, मूवीज और शोज, इनके डायलॉग्स और इनके गाने सब चलते हैं, हमें लिप सिंक करना होता है, बाकी तो लोगों का बस वाह वाह हो जाता। मतलब जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, अर्चना हंस के लाखों ले जाती वैसे। वैसे बिजनेस। ओके, और मेरे इतने फॉलोअर्स है दर्शन जी कि मुझे अब वीडियो शूट करने के लिए मुझे स्टूडियो लेना पड़ा। और अब वहाँ पे सेट्स लग जाते हैं। सेट बड़ा तूने मुगले आजम का लगाया, एक मोबाइल का कैमरा और एक पाउडर की डिब्बी, और सड़क पे कहीं पे भी शूट कर लो। सड़क से काम करके हमने घर बनाए हैं। थैंक यू कप्पू, सो स्वीट। थैंक यू, तेरे लिए नहीं था ये, उनके लिए जिन्होंने घर बनाए हैं। तू भाड़ा जमा कर इस महीने में, खोली से बाहर निकाल देगा रोशन। खोली क्या बताए, इतना पुराना रिलेशन है, ये फेक आईडी बना बना की वीडियो बनाती है, पकड़ी जाएगी किस दिन, तू देखना। कोई आईडी अपने माँ के पेट से फेक पैदा नहीं होता। उसे फेक बनाते हैं ऐसे लौंडे लपाड़े जो एक लड़की की हाई के लिए तरसते रहते हैं। तो मेरा इंटरव्यू कब लोगे? तुम एक काम करो, जिस दिन तुम फ्री हो बताना, मैं मेरा मैनेजर तुम्हें फोन करके मना कर देगा मुंह पे। नीरज जी, वैसे मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ करना हो, तो किसी की मत सुनो। गुरुजी कौन तेरा गुरु चेला? ग्रोवन का ट्रेनों में चैनल उठते हैं ये। इंटरव्यू लो, तेरी कोई बेस्ट विशेस नहीं लेता, तेरी इंटरव्यू कौन लेगा? एक्सक्यूज मी, मैं एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हूँ, तुम्हें पता नहीं? सर, मैं आपको बताऊँ, आपकी मूवी मैरी कॉम के लिए डायरेक्टर सर ने मुझे भी कास्ट किया था। हाँ, एज ए प्रॉप, जिसमें प्रियंका मुक्के नहीं मारती थी, उसके अंदर यही थी। एक्टिंग तो एक्टिंग है। एग्जैक्टली, तो क्या एक्टिंग एक्टिंग होती है, और मैं इन सबकी एक्टिंग की इतनी बड़ी फैन हूँ, मतलब क्या एक्टिंग करते हैं आप लोग, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लाइक यू आर सो गुड। लॉकडाउन में वैक्सीन नहीं करवा पाई, बहाने बहाने से बता रही मेरी वैक्सीन करवा दो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। किसी बेहुदा बातें कर रहा है कप्पू। वो तो है, अभी यही चल रही है 7 साल से, क्या करें। क्यों तंग कर रहे हैं मेरे मेहमानों को? अरे, मुझे कुछ करियर की बातें करनी। अब सर, मुझे ना OTT प्लेटफॉर्म पे काम करना है, सो तो अंधेरी स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म पे काम था वो बंद हो गया। मैं अंधेरी स्टेशन कब गई? अच्छा, सॉरी सॉरी, वो तेरे ग्रैंडफादर थे। ये बीटी स्टेशन पे जाती है, आई मेरे को याद आ गया। एक सेकंड, लॉकडाउन में मैं लोगों की मदद करने जाती थी। कौन सी मदद होती है? लोगों घर में जाके कटोरियों में सैनिटाइजर मांग के लाती, ये मदद होती है? अरे, जान से हाथ धोने से अच्छा है दूसरे से मांग के हाथ धो लो। वाह, मैसेज अच्छा है। मैसेज कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो सो एक्चुअली ना, मैंने आपके ड्राइवर को ना बाहर अपना नंबर दिया है, तो आप शो के बाद ना आई वांट टू स्पीक टू, मुझे आपका गाइडेंस चाहिए कि मैं OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने पैर जमा सकती हूँ सर, प्लीज। लेकिन ड्राइवर को समझा देना, अच्छी गाड़ी देख के ड्राइवर के साथ भी भाग जाती है। उस हिसाब से आप देखना। कैसी बकवास बातें कर रहे सर, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनना, मैं चलती हूँ, लेकिन सर आई विल वेट फॉर योर कॉल। हाँ सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। किस्मत होती है अपनी अपनी लोगों की, देख लो 4.5 मिनट गिन के लगाए, लाखों ले गई। भाई, मैं कुछ ये ना, एक्चुअली बेसिकली जो आपके फैंस हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप भी नॉर्मल आदमियों जैसी हरकतें करते हैं, उनके ये सवाल है, तो मैं आपको ये यस नो दे देता हूँ, आपको यस नो बताना है, और अगर आपने वो चीज की है तो आप, वेरी गुड आइडिया,
ओके तो आपने बताना है कि आपने वो किया है कि नहीं किया है। बिना बुलाए किसी पार्टी में मजे करने पहुंचे हैं आप? बचपन में आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप बचपन में गए थे के? नहीं पाजी, जब यहाँ बिगिनिंग में बॉम्बे में आया था तो यू नो रोज खिचड़ी बनाने पे, कुछ खाना बनाना आता नहीं था तो सिर्फ उसी पे काम चल रहा था। तो जुहू में एक शादी चल रही थी। अच्छा। तो फुल एड का ऑडिशन था तो सूट वूट पहना हुआ था बड़ा, तो लगा अब तो हम तो फुल बारात में आए हैं। आए अंदर हाथ वाथ जोड़ के जो लपेटा है पाजी हमने वहाँ, मतलब हो सकता है कि अगले एक हफ्ते का खा लिया हमने वहाँ पर। और उसके बाद जब हम निकल रहे थे, मेरे दोस्त की फरमाइश, बोले देखो एहसान फरामोश हम नहीं हो सकते, हम आए हैं, हम जरूर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा के जाएंगे। सो पाजी हमने फोटो भी खिंचवाया। वो आज तक देख रहे होंगे, आज देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे नहीं हमारी साइड से था, वो वाले बोले नहीं हमारी साइड से आया था। तो कर चुका हूँ ऐसा। अच्छा कभी ऐसा हुआ जल्दबाजी में गीला कपड़े पहन के निकल गए हूँ? कभी कभी होता ना गीली शर्ट पहन गए, गीली पैंट पहन गए, जैसे पांडे तो एक दिन गीला अंडरवेयर पहना फिर ड्रम बजा रहा था उठ उठ के। कभी कभी होता है गीले गीले कपड़े पहन के आते हैं, वो देख लो मैं मजाक, ये तो होती है चीजें। वो देखो, वो देखो, ये दो सोबर लोग हैं। कहाँ कहाँ अमित पाजी कहाँ पहना था आपने? कहाँ नहीं है? और आपने पाजी? कई पहले बहुत कम कपड़े होते थे, you know, limited, हाँ, तो वो धोने पड़ते थे, फिर कई बार नहीं सूखते थे, ऑडिशन के लिए कॉल आ जाती थी तो फिर अंडीज भी और जो भी जो प्रेस वेस किया जैसे किया बस निकल जाते थे पहन। सेम शीशे में देख के अपने आप को अजीब जीव से मुंह बनाए कभी? I'm sure everybody's done this. यार इतने सीरियस कमाल के एक्टर सब ऐसे हरकतें करते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं, आपने कभी किया है? ऑफ कोर्स, आज तक करती हूं मैं। मैं भी करता हूं। ओके कभी खुद अपने बाल काटे? ये तो मुझे लगता है अभी हुआ होगा शायद। मैंने तो अभी वैनिटी वैन में काटे अपने बाल। आपका तो सिस्टम अलग है ना, तो पैसे बचाती हैं, नहीं तो प्रोडक्शन ने तो आपको दिया ही था बंदा एक। मुझे ऐसा लगता है कि अब वापस हाइजीन को और जो भी SOPs हैं उनको मद्देनजर रखते हैं हेयर स्टाइलिस्ट और जो लोग हेयर काटते हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हेयर स्टाइलिस्ट जो है, बहुत जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। बड़ी प्यारी बात कही आपने अमित भाजी। That's true, what you said, Amit. Yeah. छोटे बच्चों वाली बातें भी कई बार लोग लिख के भेज देते हैं। पिज्जा का मसाला बोलते हैं हथेली पे लेके चाटा है। ये क्या बात हुई? और पिज्जा का क्या मसाला होता है यार? वो जो आते हैं साथ में, वो मिर्ची मिर्ची आती है। आई थिंक जो चीज भी आ जाता है हाथ में उसको ऐसे लेके सारा जो देख लो, सारे एक्टर जितने मर्जी स्टार बन जाए सारे हरकतें करते घर के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।